हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सोशियोलॉजी क्लासेस बीए पार्ट थर्ड. ओके, टुडे आवर टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक टेक्निक. ओके, अध्ययन प्रविधि के आधार पर वर्गीकरण आज का टॉपिक है हमारा. ओके स्टूडेंट, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी शुड स्टार्ट दिस वीडियो ऑन दिस टॉपिक. ओके, साक्षात्कार किस उपागम अथवा दृष्टिकोण को आधार मानकर किया जाता है? यह किसी भी साक्षात्कार को आरंभ करने से पहले निर्धारित कर लेना अत्यधिक आवश्यक होता है. इस उपागम के आधार पर सभी साक्षात्कारों को दो मुख्य भागों में तथा अनेक उप भागों में विभाजित किया जा सकता है. ओके, सो दीज आर द ऑल पॉइंट्स ऑफ बेसिक टेक्निक्स. नंबर वन है आपका स्ट्रक्चर इंटरव्यू, सेकेंड है आपका फोकस्ड इंटरव्यू, एंड थर्ड है अनस्ट्रक्चर इंटरव्यूज, एंड फोर्थ है क्लिनिकल इंटरव्यू, एंड फिफ्थ नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, एंड लास्ट रिपीटिव इंटरव्यू. नंबर वन है आपका संरचित साक्षात्कार. ओके, स्ट्रक्चर इंटरव्यूज. संरचित साक्षात्कार को नियंत्रित साक्षात्कार कंट्रोल इंटरव्यू तथा औपचारिक साक्षात्कार फॉर्मल इंटरव्यू भी कहा जाता है. यह साक्षात्कार की वह प्रविधि है जिसमें पहले से ही निर्धारित प्रश्नों की एक निश्चित सूची की सहायता से उत्तरदाताओं से संपर्क स्थापित करके उनका साक्षात्कार किया जाता है तथा प्राप्त उत्तरों का उसी स्थान पर आलेखन भी कर लिया जाता है. ऐसे साक्षात्कार का उद्देश्य सभी उत्तरदाताओं से समान प्रश्न करना होता है. साधारणतया संरचित साक्षात्कार के अंतर्गत वैकल्पिक प्रश्न अथवा बंद प्रकृति के प्रश्न उत्तरदाता के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं. बंद प्रकृति के प्रश्न वह होते हैं जिनमें प्रत्येक प्रश्न के सामने पहले से ही कुछ उत्तरों का उल्लेख कर दिया जाता है तथा उत्तरदाता इन्हीं में से जिस उत्तर को ठीक समझते हैं उसके ऊपर सही का निशान अंकित कर देते हैं. कुछ विशेष परिस्थितियों में संरचित साक्षात्कार के अंतर्गत उत्तरदाता को अपनी इच्छा के अनुसार भी प्रश्न का उत्तर देने की छूट हो सकती है, लेकिन साक्षात्कार में पूछे गए प्रश्नों में से एक निश्चित व्यवस्था का होना अत्यधिक आवश्यक होता है. यदि किसी प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं होता तो साक्षात्कार इस प्रविधि में प्रश्न को पुनः दोहराया जा सकता है. अध्ययनकर्ता को पूर्व निर्धारित प्रश्नों में से किसी तरह का परिवर्तन करने की छूट नहीं होती. यद्यपि विभिन्न प्रश्नों से प्राप्त उत्तरों में से कुछ भ्रम होने पर उनकी परीक्षा के दृष्टिकोण से वह प्रश्नों के क्रम में कुछ परिवर्तन अवश्य कर सकता है. ऐसे साक्षात्कार का उद्देश्य संपूर्ण अध्ययन में एकरूपता बनाए रखना तथा प्राप्त उत्तरों का वैज्ञानिक आधार पर सारणीकरण करके निष्कर्ष प्रस्तुत करना होता है. ओके, एंड द सेकंड पॉइंट इज असंरचित साक्षात्कार अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. ओके, संरचित साक्षात्कार के विपरीत असंरचित साक्षात्कार वह प्रविधि है जिसमें उत्तरदाताओं से
विभिन्न प्रकार के प्रश्न करने के लिए अध्ययनकर्ता को काफ़ी स्वतंत्रता मिली होती है। इसलिए ऐसे साक्षात्कार को हम अनौपचारिक साक्षात्कार, इनफॉर्मल इंटरव्यू भी कहते हैं। ऐसे साक्षात्कारों में प्रश्नों की क्रमबद्धता, प्रश्न करने का तरीका तथा साक्षात्कार की प्रक्रिया से संबंधित नियम बहुत अधिक सुनिश्चित नहीं होते हैं। परिस्थिति तथा उत्तरदाता के स्तर को देखते हुए साक्षात्कार की प्रक्रिया में किसी भी तरह का परिवर्तन किया जा सकता है। ओके, ऐसे साक्षात्कार में अक्सर सभी प्रश्न पहले से ही सुनिश्चित नहीं होते हैं। उत्तरदाताओं को यह स्वतंत्रता होती है कि साक्षात्कारकर्ता से बिना कोई विशेष निर्देश लिए हुए अपने अनुभवों को विस्तार के साथ प्रस्तुत कर सकें। ओके? किसी विषय पर उत्तरदाताओं को जो भी घटनाएं अथवा तथ्य महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं उन्हें वे अध्ययनकर्ता के समक्ष स्पष्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गाल्टन, जे गाल्टन ने लिखा है, आज संरचित साक्षात्कार का सबसे मुख्य लाभ उत्तरों का विस्तृत होना तथा इसके माध्यम से अप्रत्याशित लेकिन महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करना है। ओके, थर्ड पॉइंट है आपका केंद्रित साक्षात्कार, फोकस्ड इंटरव्यू। ऐसे साक्षात्कार को हम केंद्रित साक्षात्कार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता को किसी पूर्व निर्धारित विषय पर केंद्रित रहकर ही विभिन्न प्रकार के प्रश्न करने पड़ते हैं। साक्षात्कारकर्ता अनेक समाजशास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर जिन परिकल्पनाओं का निर्माण करता है उनसे संबंधित अध्ययन के पक्षों को वह अच्छी तरह जानता है। साक्षात्कार की प्रक्रिया में वह अध्ययन विषय से संबंधित उन पक्षों को ध्यान में रखते हुए किसी भी क्रम में और किसी भी ढंग से प्रश्न करने के लिए स्वतंत्र होता है। ऐसे साक्षात्कार में उत्तरदाता को अपने विचारों को एक विशेष ढंग से व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होती है, लेकिन प्रश्नकर्ता का प्रयत्न यह रहता है कि उत्तरदाता अध्ययन विषय पर केंद्रित रहते हुए प्रश्नों का उत्तर दे। इस दृष्टिकोण से केंद्रित साक्षात्कार का उद्देश्य उत्तरदाता के अनुभवों के संदर्भ में परिकल्पना को विकसित करना अथवा अध्ययन में कुछ नए पहलुओं का समावेश करने का अवसर प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है उपचार संबंधी साक्षात्कार, ओके, क्लिनिकल इंटरव्यू। ओके स्टूडेंट, साक्षात्कार
केंद्रीय साक्षात्कार में बहुत मिलती जुलती प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में यह एक विभिन्न प्रविधि है। केंद्रीय साक्षात्कार में अध्ययनकर्ता द्वारा जहां एक विशेष दशा से उत्पन्न होने वाले प्रभावों का अध्ययन करने का प्रयत्न किया जाता है, वही उपचारात्मक साक्षात्कार का उद्देश्य मुख्य रूप से उत्तरदाताओं के जीवन के अनुभवों को जानना होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका अनिर्देशित साक्षात्कार, नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। ओके, यद्यपि कुछ व्यक्ति अनिर्देशित साक्षात्कार को ही असंरचित साक्षात्कार कह देते हैं, लेकिन वास्तव में यह असंरचित साक्षात्कार के अंतर्गत एक विशेष प्रविधि है। अनिर्देशित साक्षात्कार एक ऐसी स्थिति को स्पष्ट करता है जिसमें किसी विशेष सूचना के स्पष्टीकरण में अध्ययनकर्ता की अपेक्षा उत्तरदाता का स्थान अधिक महत्वपूर्ण होता है। अनिर्देशित शब्द मानसिक चिकित्सा की उस प्रणाली से संबंधित है जिसमें किसी चिकित्सक द्वारा रोगी को कोई निर्देश दिए बिना उसे अपने विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस दृष्टिकोण से अनिर्देशित साक्षात्कार के अंतर्गत अध्ययनकर्ता एक विशेष विषय पर उत्तरदाता से प्रश्न तो करता है, लेकिन वह किसी रूप में उसके द्वारा दिए गए उत्तर को प्रभावित करने का प्रयत्न नहीं करता है। ओके, प्रश्नकर्ता का कार्य उत्तरदाता को केवल किसी विषय पर बोलने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। इस कार्य के लिए साक्षात्कारकर्ता एक ऐसे स्वतंत्र वातावरण को तैयार करता है जिसमें उत्तरदाता अपने विचारों को किसी भी तरह की असहमति अथवा आलोचना की चिंता किए बिना स्वतंत्रतापूर्वक स्पष्ट कर सके। ओके, नेक्स्ट है पुनरावृत्ति साक्षात्कार, रिपीटिव इंटरव्यू। असंरचित साक्षात्कार की एक प्रमुख कठिनाई यह है कि प्रश्न करने तथा उत्तर देने में अध्ययनकर्ता और उत्तरदाता दोनों को ही काफी स्वतंत्रता होने के कारण अक्सर कुछ सूचनाओं को याद रख पाना कठिन होता है। ओके, इस स्थिति में आवश्यक है कि साक्षात्कार की इस प्रकार पुनरावृत्ति की जाए जिसमें विस्मृत तथ्यों से संबंधित जानकारी पुनः प्राप्त की जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।